माँ, क्या आप मेरे लिए यह ड्रैगन लालटेन खरीद सकते हैं? मैं जानता हूँ पूरे दिन कैसे खेलना है। नहीं खरीद रहा। हम माँ बहुत बुरी है। भाई ऐसा करना बंद करो। तुमने जो बनाया है वह बहुत बदसूरत है। कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। यदि आप कर सकते हैं तो कुछ लोग इसे पसंद करेंगे। यहाँ से चले जाओ। फक फक करना। बच्चे, पिताजी वापस आ गए हैं। पापा, पापा, आपको वापस आने में इतना समय क्यों लगा? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। बेबी क्षमा करें, पिताजी काम में बहुत व्यस्त है। पापा, यह ड्रैगन डांस लालटेन है जो मैंने आपके लिए बनाया है। इसे पिताजी के लिए बनाया। पिताजी साल भर बाहर काम करते हैं, हमें उसकी बहुत याद आती है, इसलिए मैंने उसके लिए यह ड्रैगन लालटेन बनाई। ड्रैगन शुभता का प्रतीक है। मैं हर दिन पिताजी को शुभकामनाएं देता हूँ। शांतिपूर्ण। क्षमा मांगना, माँ ने अभी अभी तुम पर गलत आरोप लगाया। धन्यवाद बेटा, पिताजी भविष्य में वापस आने और आपका साथ देने के लिए अधिक समय निकालेंगे। पिताजी चलो साथ खेलते हैं। मेरे भाई के घर पर एक आवारा बिल्ली है, चलो इसे घर ले जाओ। चलो जल्दी चले। आप पहले घर जाइए। बिल्ली का बच्चा, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। बिल्ली का बच्चा, अब से हम आपके छोटे स्वामी होंगे। आइए अब से हम आपको जिया हुआ कहकर बुलाएं। जिया हुआ, चलो लॉलीपॉप खाते हैं। तो क्या आपको लॉलीपॉप खाना पसंद नहीं है? तो चलिए मैं आपके लिए कुछ और लेकर आता हूँ। जिया हुआ को यह पॉपकॉर्न खाना जरूर पसंद होगा। माँ वापस आ गई है। जी जी, लेंगे उनके घर में बिल्ली क्यों है? माँ, यह आवारा बिल्ली है जिसे मैंने पकड़ा था। इसे जिया हुआ कहा रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, घर पर बिल्लियों की अनुमति नहीं है। देखो वो कितनी शरारती है। माफ करो माँ, वह भूखी होगी पर यह पॉपकॉर्न खाने के बाद वह अच्छी हो जाएगी। और पॉपकॉर्न मैं खुद इसे खा नहीं सकता। लेकिन मैंने उसे लॉलीपॉप दिया और उसने उसे नहीं खाया। वो लॉलीपॉप नहीं खाती, उसे तुरंत विदा करो। माँ वह बेघर है, कृपया मुझे उसे अंदर ले जाने दीजिए। नहीं, वो बहुत शरारती है। जब मैं छोटा था मैं भी बहुत शरारती था। तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा। वो बिल्ली वाला इंसान है, यह वैसा ही कैसे हो सकता है? माँ मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा। नहीं, मैं उसे खाने के लिए कुछ मछलियां लाऊंगा। खाने के बाद उसे विदा करें। क्षमा करें जिया हुआ, इस भोजन के बाद तुम फिर से आवारा बिल्ली बन जाओगे। अरे जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बिल्ली काफी दयनीय होती है। अब से उसे बिल्ली का खाना खाने दो। मैं हर दिन मछली खाने का जोखिम नहीं खा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जिया हुआ, अब से आप हमारे घर पर रह सकते हैं। माँ मैं ये खाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि दिन भर खाना है या नहीं खरीदना है। हम माँ बहुत बुरी है। दूध डालें, नारियल का दूध डालें, चीनी डालें, गरम करना, लगातार हिलाएं, जिलेटिन शीट जोड़े। भाई ऐसा मत करो, आप सफल नहीं होंगे। करूंगा, मैं अवश्य सफल होऊंगा। फक फक करना। सांचे में डालो। फक फक करना। यंगयंग, तुम लेट कर अपना होमवर्क क्यों कर रही हो? माँ की मेज बहुत छोटी है। ये सच है, इसे पता चला कि मेरी यंगयंग लंबी हो गई है। आओ माँ, मेज उठाने में मदद करो। आप देखिए यह ऊंचाई उपयुक्त है। चलो चले और मेरे भाई के साथ खेलें। रेफ्रिजरेटर में डालो। जीजी, तुम मुझे फिर से क्यों परेशान कर रहे हो? मैं नहीं। ड्रैगन जैम से रंगे, चॉकलेट से रंगे। माँ देखो, यह खरगोश कस्टर्ड है जो मैंने अपनी बहन के लिए बनाया है। मैंने इसे अपनी बहन के लिए बनाया है। यिंगयिंग लुक, ये खरगोश का कस्टर्ड है जो मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा था। ठंडा, क्या आप मुझे काट सकते हैं? मत दो। हाँ, मेरी बहन के पास वही है जो दूसरों के पास है। मुझे माफ कर दो, माँ ने तुम्हें गलत ठहराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहन जल्दी से आकर खाना खा लो। इम। क्या बहन स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट। या मेरी बहन सारी रात खाती है। मत खाओ। इसे खाओ, यह स्वादिष्ट है। मैंने उसे कहा आप मत खाओ। खाओ। मत खाओ। खाओ। मत खाओ। मैंने उसे कहा मत खाओ। आप इसे मुझे देने पर जोर दे रहे हैं। मेरा होमवर्क कल आने वाला है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा ये मतलब नहीं था। आप इस बात को लेकर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप दोनों को क्या दिक्कत है? माँ, मेरे भाई ने मेरा होमवर्क गंदा कर दिया। मुझे इसे कल सौंपना होगा। कृपया जल्दी साफ करें। नहीं तो आज आप हॉटपॉट नहीं खा पाएंगे। मैं इसे संभाल लूंगा। आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सामग्री तैयार कर सकते हैं। बर्तन में सामग्री, 84 कीटनाशक जोड़े, रूई के धागे से समान रूप से हिलाएं, मसालेदार स्प्रे से लगाएं, कागज से तौलिए की एक परत से ढकें, गर्म पानी की बोतल से आगे पीछे रोल करें, गर्म हेयर ड्रायर से ब्लो ड्राई करें। वाह भाई तो बहुत बढ़िया है। वह आवश्यक है। माँ आप देखिए मैं सफल हो गया। वाह जी जी सच्ची छड़ी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हॉटपॉट खाना। मैं मसालेदार खाना खाना चाहता हूँ। नहीं मुझे कुछ मसालेदार नहीं चाहिए। ठीक है अब और बहस मत करो। ये यहाँ हॉटपॉट है। दो पॉट बॉटल्स रख सकते हैं। ये काली मिर्च का निचला भाग है, ये लाल तेल मिर्च के बर्तन का निचला भाग है। जल्दी करो हम इंतजार नहीं कर सकते। चिंता न करें, इसमें जबरदस्त मारक क्षमता है, आप इसे एक बार भी खा सकते हैं। बढ़िया चलो खाते हैं।
बाहर का खेलना है, कोई दरवाजा नहीं। फक फक करना। माँ, बहुत लंबा, आपने इतना कम क्यों लिखा? माँ, यह सब बहुत कठिन है। हम में से कोई नहीं करेगा। फिर माँ सबसे पहले काम पर जाती है। इम, फूल बेचना। चाचा, अपनी प्रेमिका के लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदे। ठीक है। ऐसा लगता है कि आज आप बहुत अच्छे हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे पकड़ सकता हूं। कहां भागना है? दादी देती है। धन्यवाद बच्चे। आपका स्वागत है। दादी वांग आपको यह देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी वांग कृपया आराम करें, हम यहां आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। माँ, आप इतने पक्षपाती क्यों हैं? मैं केवल अपने भाई के लिए गुलदस्ता खरीदता हूँ, इसे मेरे लिए मत खरीदो। देखो तुम्हारी ग्रेड कितनी खराब है, अभी गुलदस्ता खरीदने के बारे में सोचा हूँ। अपने घर में वापस जाओ और जल्दी से अपना होमवर्क करो। फक फक करना। छोटी बहन, उदास मत हो, तुम यहीं पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए एक सुपर गुल्लक बनाने जा रहा हूँ। आज आपकी पढ़ाई कैसी रही? माँ, ये बहुत कठिन है और मैं नहीं जानता कि इन्हें कैसे करना है। कुआ, ये मेरी ही गलती है कि मेरी माँ पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं देती। बहुत खूब बहन, देखो यह घोंघा गुल्लक है जिसे मैंने बनाया है। वाह जी जी, सच्ची छड़ी। भाई, आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? सिक्के को सिक्के के खांचे में रखें, घूमता हुआ घोंघा खोल जब तक सिक्का छेद में न गिर जाए। बैंक नोटों के बारे में क्या? यहाँ एक बैंक नोट स्लॉट भी है। इसे कैसे बाहर निकालें? पासवर्ड 3। वाह, यह बहुत मजेदार है, मैं भी खेलना चाहता हूँ। माँ, मैं भी कटफोड़वा के साथ खेलना चाहता हूँ, मेरे लिए एक खरीदो। मुझे पता है कि दिन भर खिलौने कैसे खरीदने हैं, नहीं खरीद रहा। मुझे मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। यदि आप अभी भी नहीं उठे तो लोग आप पर हंसेंगे। जी जी, अपनी चीजों को अस्त व्यस्त देखो, आप इसे साफ क्यों नहीं करते? माँ के पास बहुत सारी चीजें हैं, इसे रखने की कोई जगह नहीं है। माँ, मैं इसका ख्याल खुद रखूंगा, जाओ और व्यस्त हो जाओ। अच्छा, भाई कृपया मेरे साथ खेलो। मैं अभी व्यस्त हूँ, आप खुद के साथ खेलते हैं। माँ, भाई फिर से कहर बरपा रहा है। इस लड़के को जाने दो। जीजी, तुम यहाँ फिर से तबाही क्यों मचा रही हो? जरूरी नहीं बहन, देखो यह वह कटफोड़वा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद भाई। आपका स्वागत है, अब से जब भी मेरी बहन खेलना चाहेगी मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा। जी जी, सच्ची छड़ी, तो फिर आओ साथ मिलकर खेलें। तो चलिए अपने भाई द्वारा बनाया गया खिलौना ले रहे हैं, उन सभी को इस बुकशेल्फ पर रखें। देखो अब ये कितना साफ सुथरा है। माँ, मैं बड़ा होकर बड़ी बनना चाहता हूँ, आप और अधिक अलमारियाँ बनाएं। अच्छा,